किसान भाइयों, आप सभी का हमारे खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी वो हरी खाद पर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में हरी खाद के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी हरी खाद को तैयार कर सकते हैं और उसे ज़मीन में मिला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, जो कि पाँच पाँच फीट की हो चुकी है, 5-6 फीट की हरी खाद है ये। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही पास वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कितनी सुंदर हरी खाद इस खेत में खड़ी है, वो भी एक सार, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़ी हरी भरी और अच्छी अवस्था में है अभी ये। और दोस्तों, अगर इस हरी खाद की बात करें, कौन सी हरी खाद है ये, तो दोस्तों इस खेत में ये ढेंचा और जो हमारी सनई होती है और इसी के साथ हमारा जो लोबिया होता है, मैं तीनों फसलें एक साथ मिलाकर यानी हरी खाद को इस खेत में बुआई कर रखी है। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर ये ढेंचा है, इतना बड़ा बड़ा हो चुका है, उसके नीचे जड़ों में नाइट्रोजन होती है जो कि फिक्स हो जाती है। और यहाँ पर ये सनई का पेड़ है, जैसे कि देख सकते हैं, चौड़ी पत्ती का सनई का, और नीचे इसमें लोबिया खड़ा है। तो तीनों ही फसलें एक साथ मिलाकर इसमें खेत में दे दी गई है। तो दोस्तों, ट्रैक्टर पर बैठ कर देखते हैं किस प्रकार खेत में जुताई चल रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये हरी खाद किस तरीके से ट्रैक्टर से बिछाई जा रही है और पीछे जो हमारी हैरो होती है उससे कट काट रहे हैं इसको। और दोस्तों, जो ये हमने ये हरी खाद बो रखी है, ढेंचा, सनई, लोबिया, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये 7 तवों की हैरो है, हैरोडिक 7 तवों की है यहाँ पर ये। दोस्तों, ये तीसरे कट में डाल रखी है, अभी यहाँ पर तीसरे कट में डाल रखा है इसको, और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी अच्छी कटाई कर रही है, ज़मीन में बिछा रही है बिल्कुल ही। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये बिछ जाएगी, इसके ऊपर या तो हम सिंचाई लगा देंगे, इसमें वैसे तो भी बरसात चल रही है, तो क्या होगा इसमें बरसात का जब पानी भर जाएगा तो अच्छे से सड़ गल जाएगा, तो उसका और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, अच्छे से सड़ेगी गलेगी और जो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और जब हम यानी कि जो इस ज़मीन में हम अगली फसल लेंगे उसमें हमें खाद की मात्रा बहुत ही कम देनी पड़ेगी और जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये पहले के हाई गियर में भी यहाँ पर ट्रैक्टर चला जा रहा है और इतना खेत अभी तक एक सार कर दिया गया है, काफ़ी सुंदर, अभी तक पीछे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर ये, और इस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई भी हरी खाद के ऊपर कोई भी सवाल है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका पूरा जवाब देंगे। और अगर ट्रैक्टर की बात करें दोस्तों, ये फार्म ट्रैक है, यहाँ पर ये फार्म ट्रैक 45 ट्रैक्टर जो कि 45 HP की ट्रैक्टर है, यहाँ पर ये 575 का मुकाबला करता है यहाँ पर ये देखिए 2010 मॉडल है दोस्तों ये, और ये अभी ऐसे ही रखा है यहाँ पर ये। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर एक कितना सुंदर खड़ा है पूरा पूरा हरी खाद, और अब इसको खेत में मिला देने के बाद ज़मीन में, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि आप इसको हैरो से पार्ट पार्ट मत काटें, इसके बाद आप दोसर काटें, यानी कि सिंगल जुताई में आपका काम नहीं चलेगा, आपको 2 जुताई करनी पड़ेगी। अगर हो सकता है तो अगर आपके पास रोटावेटर है तो आप रोटावेटर से एक बार इसके रोटावेटर से जुताई कर दें, उससे क्या होगा ज़मीन में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसका एक विशेष ध्यान रखें आप। जितने भी पोषक तत्व होते हैं हमारी ये हरी खाद की में, सभी के सभी हरी खाद से ज़मीन के अंदर के पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे, कोई अलग से इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई डालने की जरूरत नहीं पड़ने की दोस्तों। तो एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा दोस्तों, कौन कौन सी हरी खाद है, ढेंचा, सनई और लोबिया, ये तीनों खाद इसमें मिलाकर बोर के मिक्स करके, क्योंकि जो हमारी जो सनई और ढेंचा थी वो ज़मीन से ऊपरी सतह पर ऊँची ऊँची हो चुकी है और जो हमारा लोबिया था वो ज़मीन में नीचे है हल्का, यानी कि जो फैला होता है बेल का वो नीचे रहता है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है, यहाँ पर देखने भी पूरा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और ये देखो नीचे
दोस्तों वीडियो की समाप्ति करते हैं, जल्दी एक नई वीडियो और नई जानकारी में आपको मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।